बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एन टेस्ट स्पॉट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, ट्रायल ऑफ नॉलेज क्लास सिक्स जनरल साइंस बुक का पार्ट नंबर 18 है और यूनिट नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, आज क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिक्विड्स। मिल्क, ये भी लिक्विड है। मरकरी, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ब्लड, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22, अ लिक्विड हैज व्हाट, अ लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। याद रखिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अ लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन को, द पार्टिकल्स इन गैसेस आर पैक टूगेदर फार अवे। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर स्टेशनरी, स्टेशनरी साकिन को कहते हैं। कंटिन्यूसली मूविंग, ऑप्शन सी फ्रीली मूव फ्रॉम ईच अदर। जिस दोस्तों के पास बुक है तो उसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी दिया गया है, लेकिन आई थिंक दिस इज रॉन्ग। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, कंटिन्यूसली मूविंग। लिक्विड के भी कंटिन्यूसली मूव करते हैं और गैसेस के भी। क्वेश्चन नंबर 25 देखे, 25, द लूजली पैक्ड पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस गिव गैसेस। क्योंकि गैसेस के पार्टिकल वो लूज होते हैं तो वो क्या होते हैं, उसका शक्ल इंडेफिनिट होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 26 देखे, 26, क्वेश्चन नंबर 26, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज वेरी वीक। गैस के बहुत कमजोर होते हैं, वेरी वीक, ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजी टू कंप्रेस, किस चीज को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, गैस को, लिक्विड और सॉलिड को, इट इज वेरी हार्ड टू कंप्रेस और इट इज वेरी इजी टू कंप्रेस गैस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। गैस के पार्टिकल चूंकि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो उसके लिए या तो कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती या वेरी लेस एनर्जी की जरूरत होती है। एक्चुअली इसमें ऑप्शन ए लेस एनर्जी, ऑप्शन बी नो एनर्जी। तो यह होना तो ये चाहिए था कि ए और बी दोनों को करेक्ट कर लेते। एनी हाउ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लेस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 29 देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर गैसेस। हीलियम गैस है, यस, एयर और हाइड्रोजन, ऑल ऑफ दीज आर गैसेस, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 30, द कंटिन्यूअस मोमेंट ऑफ पार्टिकल इन बोथ गैसेस एंड लिक्विड इज आल्सो कॉल्ड ब्राउनियन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ये एक थ्योरी है। और क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31, द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन बोथ गैसेज एंड लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोनियन मोशन आफ्टर ब्रोनियन नेम रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं. 32 क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लिक्विड और गैस दोनों के मूवमेंट करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है. 33 नंबर क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम एन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है, डिफ्यूजन. ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत गौर से याद रखें. क्वेश्चन नंबर 34 देखे. 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल कैन डिफ्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. डिफ्यूजन, डिफ्यूज, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड और गैस. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 35 देखे, वाई द अरोमा ऑफ द फूड फेड्स अवे एज वी मूव फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज बीइंग कुक्ड. क्वेश्चन का मतलब ये है कि जहां हम खाना पकाते हैं, ठीक है, तो जब वहां से हम दूर चले जाते हैं, उस जगह को छोड़ जाते हैं, तो उसकी खुशबू खत्म हो जाती है. कि कहते हैं ये क्यों होते हैं, इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन, इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. और क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं. 36 नंबर, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग. मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 37 देखिए. 37, व्हेन सॉलिड गेन्स हीट, जब सॉलिड चीजों को गर्म किया जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, इनटू लिक्विड बाय मेल्टिंग, और इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं. ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, व्हेन सॉलिड गेन्स हीट एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 39 देखे, व्हेन लिक्विड गेन्स हीट, जब लिक्विड को गर्म किया जाता है, इट कन्वर्ट इनटू गैस, और इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं. ऑप्शन बी है. 40 नंबर देखे दोस्तों, व्हेन लिक्विड गेन्स हीट एंड कन्वर्ट इनटू गैस, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये तो दोस्तों आज का पार्ट. लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.